सुशांत का मंगेतर से हुआ था झगड़ा, रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कराएगी पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पुलिस उनके दोस्तों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस अब इस मामले में सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कराएगी। सुशांत ने अपनी मौत से ठीक एक रात पहले रिया को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस की जाँच का दायरा सुशांत सिंह राजपूत के निजी संबंधों और करीबी दोस्तों के इर्द गिर्द है। मैनेजर को सुशांत के फोन का पासवर्ड पता था। फोन खुलने पर आखिरी कॉल 3 बजे का है। सुशांत ने अपने दोस्त महेश शेट्टी को कॉल किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाया। इसके बाद जब महेश ने 12 बजे दोपहर को कॉल किया, पर सुशांत ने फोन नहीं उठाया और तब तक सुशांत की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले सुशांत की उनके पिता से बातचीत हुई थी, जिसमें पिता के आग्रह पर सुशांत ने नवंबर में शादी करने की बात मांग ली थी। सुशांत की करीबी दोस्त ने मुंबई पुलिस को बताया है, सुशांत जिससे शादी करने वाला था उससे उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। सुशांत के करीबी दोस्त के मुताबिक सुशांत और उसकी मंगेतर की शादी होने वाली थी। उन्होंने बताया था कि कुछ दिन से उन दोनों का झगड़ा चल रहा। जानकारी ये भी है कि लॉकडाउन में सुशांत की मंगेतर उनके घर में थी, बाद में सहेली के यहाँ शिफ्ट हो गई। खबर है कि सुशांत की मंगेतर उनसे बात नहीं कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत ने अपने मंगेतर को फोन किया था और वो फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड महेश को फोन किया, लेकिन तब उन्होंने भी फोन को नहीं उठाया।